हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपको नया सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं आपका, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है। तो आपका जो नया सिलेबस है, सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो सारा कुछ हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो नया पाठ्यक्रम है, नया सिलेबस है 2023 के अनुसार BA सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का, तृतीय सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास का। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तृतीय सेमेस्टर क्या है। तो तृतीय सेमेस्टर ऐसा है दोस्त कि आपका जो BA है ना, वो सेमेस्टर वाइज हो चुका है और 6 सेमेस्टर में बढ़ चुका है। फर्स्ट ईयर में आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर एंड थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट ईयर में जो आपके 2 सेमेस्टर होते हैं वो होता है फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड ईयर में वो जो होता है आपके 2 सेमेस्टर होता है थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, एंड थर्ड ईयर में आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर होता है। तो सेकंड ईयर का एक तरीके से इसको कह सकते हैं आप पहला सेमेस्टर है, तो इसको तृतीय सेमेस्टर के रूप में इसलिए जाना जाता है। तो तृतीय सेमेस्टर में BA सेकंड ईयर के प्राचीन इतिहास का सिलेबस क्या है, क्या चीजें हमको पढ़नी है, किस बे में पढ़ना है। तो देखो, हमारा जो यूनिट है वो 8 यूनिट्स में बटा होता है। जो भी सेमेस्टर वाइज आप पूरा उठा करके देख लो, किसी भी सब्जेक्ट का उठा करके देख लो, 8 यूनिट्स में आपका बटा हुआ है सेमेस्टर। तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट है, पूरा सिलेबस जो है वो 8 यूनिट्स में है। इसका नाम है आपका तृतीय सेमेस्टर प्राचीन इतिहास सेकंड ईयर का पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री, उत्तर भारत का जो राजनीतिक इतिहास रहा है कब से कब तक का, 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक। 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक भारत का क्या, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास रहा है, उसके बारे में बात करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज, जो पहला यूनिट आपको पढ़ना है, वो पहले यूनिट में आपको पढ़ना है सोर्स, लिटरेसी सोर्स एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि स्रोत। या इन चीजों के बारे में अगर आपको उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को पढ़ना है, तो इसके लिए आपके पास स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत, यानी कि जो साहित्य के रूप में, बुक्स के रूप में आपको मिलते हैं वो स्रोत, या फिर अभिलेख, इनके माध्यम से आप जान सकते हो कि इस टाइम पीरियड पे उत्तर भारत में राजनीतिक इतिहास कैसा था, समाज कैसा था, लोग कैसे थे, राजा कैसी थी, राजनीतिक स्थितियां कैसी थी, सारी चीजें आपको, बहुत सारी चीजें आपको साहित्यिक से और अभिलेखों से जानने को मिल जाएगा। अब आता है इसके बाद आपका सेकंड इंडिया, कि इंडियाज पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्षाज डेथ, यानी कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी बनती है। उसके बाद इसमें आता है आपका सिंध डायनेस्टी, शाही डायनेस्टी, कश्मीर डायनेस्टी, यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, यानी कि इसमें आता है कौन, सिंध राजवंश आपका, उसके बाद शाही राजवंश, कश्मीर राजवंश और कन्नौज के यशोवर्मन। तो इन सभी के बारे में पढ़ना है कि सिंध राजवंश कैसा था, शाही राजवंश कैसा था, क्या था शाही राजवंश के बारे में, कश्मीर राजवंश के बारे में, कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में, इन सभी के बारे में डिटेल अध्ययन करनी है सेकंड यूनिट में, कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, और सिंध डायनेस्टी, शाही डायनेस्टी, कश्मीर और यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, इनके बारे में पढ़ना है सेकंड यूनिट में। इसके बाद आ जाता है आपका थर्ड यूनिट, जिसमें आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ राजपूत, यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके आगे पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, यानी कि गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश है वो क्या है, कहां से कहां तक गुर्जर प्रतिहार राजवंश को पढ़ना है, शुरुआत से लेकर के मिहिर भोज तक जो राजवंश रहा है गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का, उसके बारे में पढ़ना है कि शुरू से लेकर के मिहिर भोज तक ये कैसा था, कौन कौन से राजा आए, क्या चीजें हुई, क्या चेंज हुआ, क्या मतलब पूरा जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में पढ़ना है आपको। इसके बाद आ जाता है फोर्थ नंबर का यूनिट, इसमें आपको क्या पढ़ना है फोर्थ यूनिट में, तो फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है पाल डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी, पाल राजवंश और सेन राजवंश के बारे में पढ़ना है, कि पाल राजवंश कैसा था, सेन राजवंश कैसा था, पाल राजवंश में कौन कौन से राजा आए, इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये समाज में किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस क्या थे, मतलब उस टाइम पीरियड के बारे में, पूरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है फिफ्थ यूनिट, जिसमें आपको सोलंकी डायनेस्टी और परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। सोलंकी जो वंश है, सोलंकी वंश के बारे में पढ़ना है और परमार वंश के बारे में पढ़ना है, और इनके बारे में भी पूरा डिटेल पढ़ना है कि सोलंकी वंश क्या है, परमार वंश क्या है, कैसे थे, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी राजनीतिक अप्रोच क्या थे, समाज को लेकर के उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या थे, समाज उस समय कैसी थी, क्या चीजें थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो इन चीजों के बारे में बात करनी है। सिक्स नंबर यूनिट में आपको कैंडल डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है। कैंडल वंश और चौहान वंश के बारे में आपको सिक्स यूनिट में पढ़ना है, कि इस टाइम पीरियड पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो है स्पिरिचुअलिटी, हर एक चीज की स्थिति कैसी थी, समाज कैसा था, लोग कैसे थे, इन चीजों के बारे में हर डायनेस्टी में आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद आ जाता है आपका सेवंथ यूनिट, जिसमें आपको गरवाल डायनेस्टी और आपका जो है कलचोरी,
डायनेस्टी यानी कि गढ़वाल राजवंश और कलचूरी राजवंश के बारे में पढ़ना है कि इनकी स्थिति क्या थी, ये कैसा था, ये डायनेस्टी कैसी थी, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। एंड इसके बाद आपका एट्थ यूनिट है कि द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया एट द एडवेंट ऑफ मुस्लिम इन्वर्जन, यानी कि मुस्लिम जब इन्वर्जन हुआ, भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। जब पहली बार मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास कैसा था, उनकी स्थिति कैसी थी, वो किस तरीके से थे, किस पावर में थे जब मुस्लिम आक्रमण भारत पर पहली बार होता है, तो उस चीज के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 8 में। तो ये था आपका पूरा 8 यूनिट। अगर आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यह आपका बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का प्राचीन इतिहास का ये आपका पाठ्यक्रम है पूरा 8 यूनिट्स में। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज वेलेबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप एक बार विजिट करके देखो तो सही, इस पर ऑलरेडी बीए से रिलेटेड 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप एक बार चैनल पर विजिट करो, आपको पता चल जाएगा कि ये चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।